वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं दिल्ली की देगी बिरयानी। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ में हमने देखी में हमने 2.5 लीटर पानी ले लिया है, क्योंकि 2.5 किलो चिकन है हमारे पास। 2.5 लीटर पानी लेने के बाद अब हम इसमें अंदाजे अनुसार सौंफ डालेंगे। कितनी सौंफ होगी वो तो बताओ। एक बाउल पाव किलो हो जाएगी शायद। पाव किलो सौंफ होगी ये। 2.5 किलो चावल भी तो है। बस हम तो बातें करते करते बना रहे हैं। धनिया उतना ही बराबर धनिया हम ऐड करेंगे। क्वांटिटी भी तो होती है ना। कितना डाला धनिया? 1.25 किलो। 1.25 किलो सौंफ गई है, 1.25 किलो धनिया गया। लहसुन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्याज मैंने 5 प्याज ले ली है, जिसे मोटा मोटा कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं 8-10 हरी मिर्चें डाल दीजिए। नमक ले लेंगे हम। चिकन ऐड कर लेते हैं 2.5 किलो। जब तक नमक तो टेस्ट के हिसाब से, नमक तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ही डालना है, बाकी चावलों में पड़ेगा। 2.5 किलो चिकन है, मीडियम पीसेस करवा लिए हैं। अखे गरम मसाले ऐड करेंगे हम थोड़े से। ढाई किलो हमने चिकन इसमें डाल दिया। अब हम उसमें अखे गरम मसाले डालेंगे, जिसमें है बे लीव्स है, काली इलायची है 4-5 और 6-7 हरी इलायची डाली है, स्टार अनीस है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बादियान का फूल, 6-7 बादियान के फूल हैं, लौंग है और दालचीनी है इसमें। ये सब हमें इसमें ऐड करके अब इसे यखनी चढ़ा देंगे हम। ये देखिए यखनी हमने गैस पे चढ़ा दी है, हम इसे 20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ देखिए हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने चिकन को इससे अलग कर दिया है और पानी की यखनी अलग कर दी है। अब हम पुलाव की तैयारियाँ करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने 1.5 कप ऑयल ले लिया है, इसे हम गरम करेंगे। उसके बाद हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें स्टार अनीस बादियान का फूल है, 3 इलायची है काली, हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है और जीरा है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें 4 प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखी थी वो हम ऐड करेंगे। इसे ब्राउन होने देंगे हम प्याज को। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 चमचे भर के। और पड़ेगा हाँ डाल दें। ग्रीन चिली पेस्ट हम डालेंगे, ये मैंने टेस्ट के हिसाब से लिया है। गार्लिक पेस्ट है, ये वो गार्लिक है जो यखनी में मैंने सारे डाले थे ना, उसे निकाल के मैंने मैश कर दिया है, ये वो गार्लिक पेस्ट है। इसे हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स देंगे हम लोग। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे।
अब हम इसमें यखनी की चिकन ऐड कर लेंगे। इसमें हरी मिर्चें हैं जो यखनी में थी, तेज पत्ता है, बस इसके साथ हम चिकन को ऐड कर देंगे यहाँ पे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यखनी में भी नमक डाला था ना? हाँ, यखनी में भी नमक डाला था, थोड़ा सा ही था ना उसमें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। अब इसमें अब चावल ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है 1.5 किलो चिकन थी, तो हम सॉरी 2.5 किलो चिकन थी ना, 2.5 किलो चिकन थी, उतना ही हम चावल लेंगे। 2.5 किलो चिकन हम चावल हमने लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं जिसे मैंने आधा घंटे भिगो के रख दिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पानी बहुत, ये देखिए हमने बासमती राइस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। हो गया क्या? डेढ़ अंगल पानी हो गया, नहीं डालूँ बाकी का ज़्यादा। ये देखिए हमने यखनी पूरी ऐड कर दी है चावल अकॉर्डिंग टू द चावल। हम इसे ढक देंगे, अब जब तक बबल्स नहीं आता हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए पुलाव में बबल्स आने लगे हैं, आपको कैसे होल्स दिख रहे हैं ना ऊपर। अब हम इस वक्त ना यहाँ थोड़े थोड़े चावल हटा के हम अपना यहाँ पे मिर्ची का अचार ऐड करेंगे। ऐसा थोड़ा थोड़ा अचार पूरे पुलाव में हम ऐड कर देंगे। अचार डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के हम इसे ढक देंगे। उसके बाद साइड में हम यहाँ पे अनियन का तड़का देंगे इसके ऊपर। ये देखिए आम का अचार डालने के बाद मैंने 5 यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची का अचार ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट दम पे रख दिया था। अब हम इसमें प्याज का तड़का ऐड करेंगे। थोड़ा कलर ऐड करेंगे हम। ये देखिए हमने अनियन क्रिस्पी करके ऐड कर दी है, इसमें मैंने कलर भी डाल दिया है। हम इसे दम पे रखेंगे 5 मिनट और इस तरह से। इस पे कुछ भारी बर्तन हम रख देंगे, गिर जाए ठीक है। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे दम पे रख दिया है बस। ये देखिए हमारी यहाँ पे दिल्ली देगी बिरयानी को बिल्कुल 5 मिनट हो चुके हैं, दम हो इसका पूरा हो चुका है। देखिए ऐसे करेंगे ना तो पता चल जाता है दम पूरा हो गया। कैसे इतना धुआं निकल रहा है ना देख। अच्छा ये दम हो गया पूरा। हाँ दम ठीक है, हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह है ना। मिक्स करना है, मिक्स कर लीजिए।